ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है और यह मान्यता निरंतर शोध के उपरांत तय हुई है। पृथ्वी पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, इस प्रश्न का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विविधता को लेकर अनेक मत हैं। दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने इस दिशा में अनेक शोध निष्कर्ष रखे। ज्ञान के विकास के साथ साथ प्राचीन मान्यताएं बदलती गईं, किंतु एक अंतिम समाधान इस विषय हेतु अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। अरबों खरबों वर्षों पहले पृथ्वी का बनना और उस पर जीवन की उत्पत्ति का प्रश्न अनुत्तरित है। इस संबंध में मत विभाजन है कि क्या पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ यंत्रवत प्रक्रिया के माध्यम से हुआ या वह किसी अलौकिक घटना का परिणाम था। विज्ञान और धर्म अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चलते हैं। बाइबल में उल्लेखित तथ्य वर्षों तक अकाट्य बने रहे। विज्ञान की प्रगति ने धर्म आधारित व्याख्याओं को भी विश्लेषण में जाने के लिए मजबूर किया। विज्ञान ने जीवन के प्रारंभ को क्रम विकास की यंत्रवत प्रक्रिया में स्वीकार किया, जबकि धर्म एक अचानक घटित अलौकिक घटना को जीवन की उत्पत्ति का श्रेय देता है। भारतीय चिंतन में वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। यूनान की प्राचीन धारणा यह कहती है कि जीवन बाह्य अंतरिक्ष से दृढ़ बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आया। ताप और नमी की अनुकूलता के कारण इन बीजाणुओं से जीवन इस धरती पर संभव हुआ। अलौकिक या चमत्कारिक घटना से जीवन का प्रारंभ कहीं न कहीं ईश्वरीय आदेश की मान्यता से जुड़ा है। प्राचीन मिस्र की धारणा के अनुसार जीवन जड़ पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हुआ। लंबे समय तक वैज्ञानिकों ने भी यह माना कि जीव स्वतः जनन की विधि से उत्पन्न होते हैं। वान हेलमांट का मानना था कि पसीने से भीगी कमीज तथा गेहूं के भूसे को साथ रखने से 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इटली के फ्रेंसिको रेडी ने वान हेलमांट के इस स्वतः जननवाद को असत्य प्रमाणित किया। मक्खियों पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि नई मक्खियां अंडों से ही विकसित होती हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति को मान्यता प्रदान की। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में रासायनिक विकास संबंधी अवधारणा की पुष्टि करने वाला सिद्धांत था ब्रिटिश जीव रसायनविद J.B.S. हेल्डन का। उन्होंने सबसे पहले 1929 में यह सिद्ध किया कि जीवन जड़ पदार्थों के कार्बनिक अणुओं से उत्पन्न हुआ है। रूसी जैव रसायनविद A.I. ओपेरिन ने भी इसी अवधारणा के समानांतर मत प्रस्तुत किया। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी एक ज्वलित वाष्प पुंज के रूप में सूर्य से अलग हुई थी, तब इसमें विभिन्न तत्व वाष्पित अवस्था में थे। पृथ्वी के ठंडा होने पर लोहा, निकल आदि पदार्थ, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से मीथेन, कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। वाष्प पुंजों से बने बादलों से लगातार वर्षा हुई और पृथ्वी ठंडी हुई। उस पर पर्वतों, नदियों और सागरों का निर्माण हुआ। वायुमंडलीय अमोनिया, मीथेन एवं खनिज लवण वर्षा के पानी में घुलकर समुद्र में पहुंचे।
हेल्डन ने इसे घुला हुआ सूप कहा। इन्हीं तत्वों के रासायनिक संश्लेषण से समुद्र में प्रथम जीव का प्रादुर्भाव हुआ। जीव कोशों से सारे संसार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। ये जीव बढ़कर दो भागों में बंट जाते थे और प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र जीव बन जाता था। बाद में एक कोशीय जीव आपस में मिलकर एक संयुक्त कोशीय जीव का रूप धारण करने लगे। उनकी शरीर रचना में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। इस तरह एक कोशीय जीवों से बहुकोशीय जीव बने। वैज्ञानिक मिलर ने एक बहुत ही आसान प्रयोग के तहत हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया तथा जल वाष्प का मिश्रण तैयार कर उसे जीवाणु रहित गैस कंटेनर से गुजरने का मौका दिया। इसी बीच इन गैसों को विद्युत ऊर्जा दी गई। उनकी यह कल्पना जीवन के प्रारंभ के समय मौजूद वातावरण पर आधारित थी। जल वाष्प को प्रारंभिक काल के महासागरों के स्थान पर उपयोग किया गया था। इसके परिणाम चमत्कारिक मिले। मिश्रण द्रव्य भूरे रंग का हो गया तथा उसमें अमीनो एसिड पाए गए, जो प्रोटीन के मूल निर्माण तत्व होते हैं और प्रोटीन जीवन का प्रमुख तत्व है। मिलर के इस मत ने जीवन के प्रारंभ की तलाश को एक नई दिशा दे दी। महान दार्शनिक एरिस्टोटल का मानना था कि गैर प्राण वस्तुओं जैसे मिट्टी आदि के रासायनिक संसर्ग से मेंढक, सांप, कीट जैसे प्राणियों का निरंतर जन्म होता रहता है। पृथ्वी पर तमाम तरह के पेड़ पौधे एवं प्राणी हैं। कुछ जीवों में समानता दिखती है और कुछ में भिन्नता। जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों के पूर्वज एक रहे हैं। ये सभी जीवन के सरलतम प्रारंभिक रूप से जटिल रूप में विकसित हुए हैं। इस दृष्टि से सभी जीव परस्पर संबंधी हैं। जटिल जीवों की रचना सरल रचना वाले जीवों से हुई। जीवों में होने वाला यह परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है, जो पूर्व काल से चला आ रहा है और निरंतर जारी है। वैज्ञानिकों ने जैव विकास के इन सिद्धांतों की पुष्टि के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए। इन प्रमाणों को जुटाने के लिए उन्होंने प्राणियों की शरीर रचना, भ्रूणों, जीवाश्मों, जीवों के भौगोलिक विवरण, जीव रसायन व शरीर क्रिया विज्ञान, जीवों का वर्गीकरण तथा आनुवंशिकी की दृष्टि से जीवों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जैव विकास के प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरांत भी अनेक प्रकृति वैज्ञानिक दार्शनिक जैव विकास की क्रिया का निरंतर अध्ययन करते रहे और उन्होंने अपने अपने वाद प्रस्तुत किए। फ्रांस के जीन बैपटिस्ट, लेमार्क, इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल, वेलस, वीजमन, ह्यूगो डी वेरिस, हक्सले, डोबजेंस्की और सिम्पसन आदि ऐसे ही प्रमुख वैज्ञानिक हैं। फ्रांस के जीव वैज्ञानिक लेमार्क द्वारा प्रतिपादित विकास का सिद्धांत विकासवाद था, जो किसी समय बहुत मान्य हुआ किंतु बाद में इसे अस्वीकार कर दिया गया। लेमार्क ने अपने सिद्धांत में कहा कि जीवधारियों में होने वाले परिवर्तनों के पीछे वातावरण में होने वाला परिवर्तन मुख्य कारक है। लेमार्क ने अपने विकासवाद के संबंध में दो नियम प्रतिपादित किए। उस प्रत्येक जीव में जिसने अपने विकास की आयु पार नहीं की है, किसी अंग का सतत व्यवहार उस अंग को विकसित बनाता है। यह दृढ़ता उस काल के अनुपात में होती है जितने काल तक यह अंग व्यवहार में लाया गया है। इसके विपरीत, यदि किसी अंग का व्यवहार नहीं किया जाता तो वह निर्बल होने लगता है और धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता कम होने लगती है और अंत में वह अंग
विलुप्त हो जाता है। दीर्घकाल से किसी परिस्थिति में रहने वाली प्रजाति के जीवों का परिस्थिति के प्रभाव के कारण अनेक बातें अर्जित करनी पड़ती हैं या भुला देनी होती हैं। किसी अंग का प्रभावी व्यवहार अथवा उस अंग के व्यवहार में लगातार कमी आनुवंशिकता के द्वारा सुरक्षित रहती है। ये बातें इन जीवों से उत्पन्न होने वाले जीवों में देखी जाती हैं, पर शर्त यह है कि अर्जित परिवर्तन नर और मादा दोनों में हुआ हो अथवा उन नर मादा में हुआ हो जिनसे नए जीवों की उत्पत्ति हुई है। लेमार्क के इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई। विजमन ने कई पीढ़ियों तक चूहों की दुम काटी, किंतु अंत तक दुम लंबी और मोटी बनी रही। लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार दुम का उपयोग न होने पर दुमहीन चूहों की उत्पत्ति होनी चाहिए थी। प्राकृतिक अध्ययन एवं विकास की सरल एवं सुंदर व्याख्या चार्ल्स डार्विन ने की। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विन एक संपन्न परिवार से थे। सन 1831 में मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्हें बीगल नामक जहाज से दुनिया घूमने का मौका मिला। रास्ते में जहां जहां जहाज से वे उतरे, वहां के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पत्थरों, चट्टानों, कीट पतंगों के नमूने एकत्र कर उनकी जांच परख एवं विश्लेषण कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी प्रजातियां मूल रूप से एक ही जाति की उत्पत्ति हैं। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की विविधता प्रजातीय विविधता का कारण है। जेम्स वॉटसन आनुवंशिक कोटधारी डीएनए की ऐठनदार सीढ़ी जैसी संरचना के, जिसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके सहगोजी हैं। वे मानते हैं कि आनुवंशिकी पग पग पर डार्विन की पुष्टि करती है और चार्ल्स डार्विन इस धरती पर जी चुके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की पुष्टि के लिए डार्विन ने जीवन संघर्ष का एक सहायक सिद्धांत उपस्थित किया। जीवन संघर्ष जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली एक उक्ति है, जिसका तात्पर्य है अपने अस्तित्व के लिए जीवों का परस्पर संघर्ष। इसके अनुसार जीवों में जनन बहुत ही द्रुतगति और गुणोत्तर अनुपात में होता है, किंतु जीव जितनी संख्या में उत्पन्न होते हैं उतनी संख्या में जी नहीं पाते, क्योंकि जिस गति से उनकी संख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में वास स्थान और भोजन में वृद्धि नहीं होती, वरन स्थान और भोजन सीमित रहते हैं। अतएव वास स्थान और भोजन के लिए जीवों में अनवरत संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में बहुसंख्या में जीव मर जाते हैं और केवल कुछ ही जीवित रह पाते हैं। इस प्रकार प्रकृति में विभिन्न जीवों की संख्या में एक संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए हाथी जैसा मंद गति से जनन करने वाला प्राणी भी यदि बिना किसी बाधा के गुणोत्तर अनुपात में जनन करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, तो चार्ल्स डार्विन ने हिसाब लगाकर दिखाया कि एक जोड़ा हाथी जिसकी आयु 100 वर्ष तक हो और 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जनन प्रारंभ करे तथा अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 6 बच्चे दे और बच्चे भी माँ बाप की भांति जनन करने लगे तथा यही क्रम बना रहे, तो 750 वर्षों में सब हाथियों की संख्या 1,90,00,000 हो जाएगी। इसी भांति यदि एक जोड़ा खरगोश एक जनन में 6 बच्चे जने और एक साल में 4 बच्चे दे और ये बच्चे भी 6 महीने की अवस्था में जनन करने लगे, तो इस क्रम में थोड़े ही समय में खरगोशों की बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। हक्सले गणना द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि एक हरी मक्खी की सभी संतानें जीवित रहने पाएं और सभी जनन करें, तो केवल एक ग्रीष्म ऋतु के अंत में
चीन की संपूर्ण जनसंख्या से भी ये बढ़ जाएंगी। इसी भांति एक जोड़ा घरेलू मक्खी से यदि ग्रीष्म ऋतु में 6 पीढ़ियां उत्पन्न हो और प्रत्येक पीढ़ी के उत्पन्न होने में 3 सप्ताह का समय लगे तथा प्रत्येक 2,00,000 मक्खियों के लिए 1 घनफुट स्थान की आवश्यकता हो तो उनकी 6 पीढ़ियों में उत्पन्न संतानों के लिए 114 करोड़ घनफुट स्थान की आवश्यकता होगी। प्रायः सभी वर्गों के जीवों में जनन बहुत तेजी से और निरंतर होता रहता है, अतः जीवों की इस बढ़ती हुई संख्या पर किसी प्रकार का नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा किसी एक ही वर्ग का जीव इतनी संख्या में हो जाएगा कि अन्य वर्ग के जीव के लिए पृथ्वी पर स्थान ही नहीं मिलेगा। परंतु ऐसा हो नहीं पाता। प्राकृतिक वरण का इस वृद्धि पर बहुत बड़ा नियंत्रण रहता है, क्योंकि जीवों की संख्या में जिस गति से वृद्धि होती है उसी अनुपात में भोजन और स्थान में वृद्धि नहीं होती और दोनों सीमित रहते हैं। अतएव भोजन और स्थान के लिए जीवों में परस्पर स्पर्धा और संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जिनमें अन्य जीवों से विशेषता और भिन्नता होती है। उदाहरणार्थ वनस्पतियों में अंकुर निकलने के पश्चात खाद्य पदार्थ, धूप और प्रकाश के लिए परस्पर स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है और एक दूसरे को पीछे छोड़ आकाश की ओर बढ़ने की चेष्टा में वे लग जाते हैं। जो पौधे आगे नहीं बढ़ पाते वे पड़ोसी पौधे की छाया में आ जाते हैं और उनकी वृद्धि कम हो जाती है। वे पौधे जो इस प्रतियोगिता में सफल होते हैं जीवित रहते हैं तथा अन्य मर जाते हैं। इस प्रकार का संघर्ष केवल एक ही वर्ग अथवा जाति के जीवों में नहीं वरन एक वर्ग का दूसरे वर्ग या जाति के साथ भी चलता रहता है। वस्तुतः जीवन संघर्ष 3 प्रकार के हैं। अंतरजातीय संघर्ष, आंतरजातीय संघर्ष तथा पर्यावरणीय संघर्ष। अंतरजातीय संघर्ष प्रायः 2 अथवा 2 से अधिक भिन्न भिन्न वर्गों और जातियों के जीवों में चलता है। नेवले और सांप के बीच, सांप और मेंढक के बीच, कुत्ते और बिल्ली के बीच अथवा बिल्ली और चूहे के बीच के संघर्ष इसके उदाहरण हैं। इसमें एक जीव तो अपने शत्रुओं से हमेशा अपनी रक्षा की चेष्टा में रहता है और दूसरा सर्वदा अपने शिकार की टोह में लगा रहता है। अतः यह संघर्ष शिकार और शिकारी का आपस का संघर्ष कहा जा सकता है। शिकारी और शिकार में लुका छिपी का खेल बराबर चलता रहता है। एक बचने का प्रयास करता है तो दूसरा उसकी खोज में रहता है। अंतरजातीय संघर्ष प्राय एक ही जाति या वर्ग के जीवों में चलता है। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, कुत्ते का कुत्ते के साथ संघर्ष अंतरजातीय संघर्ष है। एक जाति के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं समान होती हैं, अतएव उनमें से प्रत्येक को आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की धमकियां अथवा युद्ध का छिड़ना भी जीवन संघर्ष ही है। पर्यावरणीय संघर्ष जीवों को उपयुक्त दोनों प्रकार के संघर्षों के अतिरिक्त पर्यावरण से संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष उनके अपने प्राकृतिक वातावरण और परिस्थितियों के साथ होता है। जीवों को दैविक और भौतिक शक्तियों जैसे आर्द्रता, शुष्कता, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी का उद्गार, बिजली की चमक, बाढ़, प्रचंड धूप, लू इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के संघर्षों में वही जीव जीवित रह पाता है जो अपने प्रतिद्वंदी से जरा बीस पड़ता है, जिसमें किसी प्रकार की विशेषता होती है और जो संघर्ष में सफल हो वह बच निकलने में सक्षम होता है। जिस प्रकार एक कुशल माली बगीचे से अथवा एक चतुर किसान अपने खेत से कमजोर अथवा हानिकारक पौधों को निकाल फेंकता है, उसी प्रकार प्रकृति जीवन संघर्ष द्वारा दुर्बल
और अक्षम जीव को अपनी वाटिका से उखाड़ फेंकती है। योग्य और होनहार जीवों को ही विकसित होने का अवसर प्रदान करती है तथा उनकी संख्याओं में संतुलन बनाए रखती है। जीवों में परस्पर संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनकी रचना में विशेषता अथवा भिन्नता उत्पन्न होती है तथा यह विशेषता उनकी संतान में चली जाती है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नत विशेषताएं उत्पन्न होकर ऐसी जाति तैयार करती हैं जो आदि जीवों से भिन्न प्रतीत होने लगती हैं और एक नई जीव जाति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। सन 1903 से 1935 के बीच जीव विज्ञान की विभिन्न जानकारियों में वृद्धि हुई। मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत और डी वेरिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस नए वाद को नव डार्विनवाद या विकास का आधुनिक संश्लेषित वाद कहा गया। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों की नई जातियां पुरानी जाति के जीन्स में परिवर्तन से बनती हैं। जीन्स में परिवर्तन होने पर जीवों के आनुवांशिक लक्षण भी बदल जाते हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जाति के विकास में चार प्रमुख कारक विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण तथा पृथक्करण कार्य करते हैं। जीवन के उद्भव एवं विकास संबंधी मतों सिद्धांतों ने अलग अलग शोध कार्यों में वैज्ञानिकों को कार्य करने की दिशा दी है।